हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल @ सर्वरोशन दादा, जहां आपको ज्ञान मिलेगा सबसे ज्यादा। स्पोर्ट्स का ये जो सीरीज चल रहा है, इसमें आज हम लोग देखेंगे 36 नेशनल गेम्स 2022। ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि 35th ये जो 35वां संस्करण था, ये 2015 में हुआ था, और उसके बाद 7 साल बाद ये 2022 में हुआ है। ठीक है, जो 36 संस्करण जो था 2022 में हुआ, ये कहाँ पर हुआ? ये गुजरात में हुआ, और 35th केरला में हुआ था 2015 में, और 37th इसी साल होने वाला है गोवा में, और ऐसा बोला जा रहा है जो 38 जो है वो उत्तराखंड में होगा नेक्स्ट जब भी होगा। ओके, अच्छा, ये गुजरात में कौन कौन सा शहर में हुआ था? गुजरात के 6 शहर में हुआ था, एक अहमदाबाद, गांधीनगर, सूरत, राजकोट, वडोदरा और भावनगर। ठीक है, और इसके साथ साथ साइकिलिंग का जो रेस हुआ था, ये न्यू दिल्ली में हुआ था। ओके, अब सबसे पहले बता दूं, ये जो नेशनल गेम्स है, ये सबसे पहली बार हुआ था सन 1924 में। कहाँ हुआ था? लाहौर में हुआ था, और इसका उस टाइम नाम था इंडियन ओलंपिक गेम्स, और 1940 में इसका नाम चेंज किया गया। बट पहली बार जो नेशनल गेम्स हिसाब से ये कराया गया था 1948 में, 13th नेशनल गेम्स हुआ था जब, तभी पहली बार इसका नाम नेशनल गेम्स रखा गया था, और ये लखनऊ में हुआ था, ये 13th संस्करण था इसका। और हमारे प्यारा कलकत्ता में कब हुआ था? कलकत्ता में लास्ट जो हुआ था 1964 में, 21st नेशनल गेम्स कलकत्ता में हुआ था, ये एक्स्ट्रा नॉलेज। और इसका जो मेन वेन्यू था 2022 जो गुजरात में हुआ, इसका जो मेन वेन्यू था नरेंद्र मोदी स्टेडियम, जो कि अहमदाबाद में है, दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम ये वाला है। और 29 सितंबर 2022 से 12 अक्टूबर 2022 तक खेल हुआ, 36 खेल था इसमें, 36 स्पोर्ट्स। और कौन कौन शामिल हुए थे? हमारे हिंदुस्तान के 28 स्टेट्स, 8 यूनियन टेरिटरीज, और एक टीम शामिल होता है सर्विसेज स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड। इसमें कौन रहता है? इंडियन एयरफोर्स, इंडियन आर्मी और नेवी, इसी से चुनिंदा जो स्पोर्ट्स पर्सन है सब इसमें रहते हैं। और इस बार का मोटो जो था, 36th नेशनल गेम्स का मोटो था, ये था सेलिब्रेटिंग यूनिटी थ्रू स्पोर्ट्स। ओके, और मैस्कॉट कौन थे? मैस्कॉट का नाम था सवज। सवज ये गुजराती लैंग्वेज में इसका मतलब होता सेवियर, और ये एक लायन, एशियाटिक लायन थे। मैं आपको बता दूं, एशियाटिक लायन जो है सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तान के गुजरात का जो गिर नेशनल पार्क है, GIRR गिर नेशनल पार्क, सिर्फ वहीं पाए जाते हैं। और गुजरात में और एक सेंचुरी है, वाइल्ड इंडियन वाइल्ड एस सेंचुरी का, जो कि रन ऑफ कच्छ में पाया जाता है, ये भी काफी इम्पोर्टेंट है। और ये जो एंथम सॉन्ग था इसका, ये था जुड़ेगा इंडिया जीतेगा इंडिया। ये कौन गाया था? बहुत ही फेमस सिंगर बॉलीवुड के, पंजाब से, सुखविंदर सिंह। ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं और भी कुछ पॉइंट्स, टेबल देख लेते हैं, मेडल टेबल, और खास खास इवेंट्स में किसने क्या जीता। 36 नेशनल गेम में टेबल टैली हम लोग देख लेते हैं। पहला रैंक आता है सर्विसेस, हमेशा ज्यादातर यही जीतते हैं, और इन्होंने सर्विसेज का जो टीम था, कितना मेडल लाया? 61 गोल्ड, 35 सिल्वर और 32 ब्रॉन्ज, सब मिला के 128। इसमें सबसे ज्यादा गोल्ड था 61। और सेकंड कौन आता है? सेकंड आता है महाराष्ट्र, जो 39 गोल्ड, 38 सिल्वर और 63 ब्रॉन्ज, टोटल 140। अब जो मेरे नए प्यारे दोस्त है वो सोचेंगे, सर्विसेज 128 मेडल लाया वो फर्स्ट हो गया, और महाराष्ट्र 140 मेडल्स लाया वो सेकंड हो गया। एक्चुअली ये सब जो मेगा इवेंट्स होता है, इसका नियम होता है जिसने सबसे ज्यादा गोल्ड जीता, रैंक वन उसी का ही होगा, उसके बाद फिर धीरे धीरे सिल्वर ब्रॉन्ज में आएंगे, टोटल में आएंगे। ओके, तो मुंबई महाराष्ट्र जो था 39 गोल्ड, 38 सिल्वर और 63 ब्रॉन्ज, यानी कि सिल्वर और ब्रॉन्ज महाराष्ट्र ने ज्यादा जीता। और थर्ड जो आया था वो हरियाणा, हरियाणा का क्या था? 38 गोल्ड, 38 सिल्वर और 40 ब्रॉन्ज, यानी कि 116 टोटल मेडल्स। और गुजरात जहां पर हुआ था उसका भी देख लेते हैं, उनका रैंक था 12 नंबर रैंक था, 13, 15 और 21, 13 गोल्ड, 15 सिल्वर और 21 ब्रॉन्ज, टोटल 49। और हमारा प्यारा वेस्ट बंगाल, इसका भी देख लेते हैं, अगर PCSC के एग्जाम में पूछ लिया, नेशनल गेम 36 में इनका रैंक था 13th, 13 नंबर का रैंक था, 13, 14, 17, यानी कि 13 गोल्ड, 14 सिल्वर और 17 ब्रॉन्ज, टोटल 44। अच्छा, जो सबसे बढ़िया, जो सबसे टॉप करता है उसको क्या मिलता है पता है? राजा भलिंद्र सिंह ट्रॉफी, एक ट्रॉफी दिया जाता है, राजा भलिंद्र सिंह ट्रॉफी। तो ये किसे मिला? सर्विसेज को मिला अनडाउटेडली, और बेस्ट स्टेट ट्रॉफी का अवार्ड मिला महाराष्ट्र को, जैसे कि आप समझ सकते हैं। अब कुछ प्लेयर्स का नाम लेते हैं जो कि अच्छा किए इस टूर्नामेंट में। बेस्ट प्लेयर
मेंस कैटेगरी में और वुमेन्स दो रहता है। मेंस में मिला है स्विमर जो स्विमिंग करते हैं सजन प्रकाश जो कि केरला से हैं, और इन्होंने 5 सोना गोल्ड 2 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज टोटल 8 मेडल जीता। और वुमेन्स का जो मिला है बेस्ट प्लेयर अवार्ड स्विमर ये भी है हंसिका रामचंद्रा कर्नाटका से है, और इन्होंने 6 सोना जीता और 1 ब्रॉन्ज टोटल 7 मेडल जीता। और वायरल स्टार ऑफ द गेम ये मिला है इनका नाम है शौर्यजीत खैरे, ये सिर्फ 10 साल के बच्चे थे ओके। और इन्होंने किसमें जीता मल्लखम एक खेल होता है इसमें ब्रॉन्ज जीता, और ये 36 नेशनल गेम के सबसे यंगेस्ट प्लेयर बने जिन्होंने मेडल जीता ठीक है, और ये गुजरात से बिलोंग करते हैं। अच्छा ये मल्लखम या के मल्ला का मतलब होता है रेसलर और खम का मतलब होता है पोल, जैसे कि खम्बा आप लोग समझ रहे हैं। तो ये जो खम्बा रहता है ये शीशम का रहता है, शीशम यानी कि इंडियन रोज वुड उसका रहता है, और इसमें पॉलिश किया जाता है कैस्टर ऑयल से। ये किसी न किसी एग्जाम में आपको पूछा जा सकता है, बहुत ही डीप नॉलेज है ये ठीक है। और मैं बता दूं, और एक नया गेम था योगासना, योगासना में इस बार पहली बार जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता है उनका नाम है पूजा पटेल, ये पहला बार इंट्रोड्यूस किया गया था और उन्होंने गोल्ड मेडल जीता है ठीक है। अब अच्छा लगा हो तो लाइक करे, शेयर करे, सब्सक्राइब करे, प्यार बांटे, खुशियां बांटे और ज्ञान तो जरूर बांटे। मिलते हैं अगले वीडियो में।